स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड मिला, क्या कुछ कैसा फील? मुझे बहुत खुशी हो रही है और सम्मान मिलता है तो किसको खुशी नहीं होगी, आप बताइए। और मैं आइवा अवार्ड्स के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, खास करके छंदम जी और उनके जितने भी सहयोगी लोग हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवार्ड से सम्मान दिया, सम्मानित किया, तो थैंक यू सो मच। बॉलीवुड ने 100 इयर्स कंप्लीट कर लिए और इस 100 साल के दरमियान काफी चेंजेस आए हर फील्ड में। जी ऑब्वियसली म्यूजिक में भी आया चेंजेस। तो सर, पहले का वो दौर, आज का ये दौर जिसमें हनी सिंह जैसे सिंगर हैं और उनके ऊपर बराबर वल्गैरिटी का जो है सर लगता रहा एग्जाम में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, किसी के बारे में कुछ बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन जो लोगों को पसंद आए, जो चलता हो, तो उसके बारे में कुछ बोलना अच्छा नहीं है। चल रहा है, चलने दीजिए, भगवान सबका अच्छा करे, सब आगे बढ़े। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि काम अच्छा करना चाहिए, लोगों के दिल में आप घर बनाओ। रामलीला में आदित्य ने काफी अच्छा गाना गाया था, तड़ तड़, क्या मतलब, कैसे आप देखते हैं उनके चित्र? बहुत किसको खुशी नहीं होगी कि अपना बच्चा अगर आगे बढ़ता है, उससे तो सारे बच्चे अपने हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आदित्य बचपन से अच्छा काम करता आ रहा है, अजय सिंगर, फिर एंकर बना, फिर शापित फिल्मों में एक्टिंग की, दो फिल्मों में एक्टिंग की जब वो छोटा था, परदेश और जब प्यार किससे होता है, और आज संजय लीला भंसाली साहब जो ऐसे जीनियस डायरेक्टर, उन्होंने आदित्य को अजय असिस्ट भी लिया और गवाया आदित्य को, और फिल्म सुपरहिट हुई, गाने भी सुपरहिट हुए, तो मुझे बहुत प्राउड फील करता हूँ आदित्य के लिए। स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड मिला, आई बार क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है कि ये देखिए बड़ी अच्छी संस्था है ये, और आज इनका ये पहला ही अवार्ड शुरू हुआ है और फर्स्ट अवार्ड जो है वो मुझे मिला है, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। दिलीप शुक्ला जी जो बहुत बड़े हमारे इंडस्ट्री के राइटर हैं, सलीम जावेद के बाद उन्होंने अपना नाम बहुत ज़बरदस्त बनाया है और मैं उनका बहुत ज़बरदस्त फैन हूं, तो उनके हाथ से ये अवार्ड लेते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। Hi everybody, I'm Shahrukh Khan. Watch me only on facebook.com/businessofcinema.